नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आज जो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी तो क्या ये कंटिन्यू रहेगी या फिर यहाँ से अब मार्केट ब्रेकडाउन के लिए तैयार है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ऊपर के लेवल पे मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और 18,800 की पुट आपके लिए एक जैकपॉट बन सकती है। तो 10 रुपये के आसपास जिन लोगों ने सुबह उसको बाय किया था तो डेफिनेटली उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला और दोबारा भी उसने एक कह सकते हैं 10 रुपये के नीचे गई, बट मॉर्निंग का जो एक प्रॉफिट था वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे आपको इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे अराउंड मैंने तो ऑलमोस्ट जब उसका प्राइस जब इस लेवल पे आया था 9 रुपये, 9.5 रुपये के आसपास, 10 रुपये पे मैंने बाय करी थी और जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था आपको जब बैंक निफ्टी ने अपना डे लो हिट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपना डे लो हिट किया था, यहाँ पे तब मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए उसमें बोल दिया था। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो मार्केट है और वॉलेटिलिटी रहती है, एक्सपायरी होती है और एक्सपायरी पे क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, आपको अपने टारगेट के लिए प्ले करना है हमेशा। आपको कभी ये होप नहीं लगानी है कि यहाँ से मार्केट और गिर जाएगा या फिर और बढ़ जाएगा। आपको आपका टारगेट स्क्रीन पे मिल रहा है, वॉट एवर द प्रॉफिट जो भी आपको मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, उसको आप बुक कर लीजिए। जैसे मैंने 10 जो 18,400 की जो पुट थी वो 10, 11, 12 रुपये पे मैंने बाय करी थी और जब मैंने अगर आप देखोगे टेलीग्राम पे भी मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था। अराउंड आप देख रहे हो 12:54 पे मैंने 18,800 की पुट का यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था। तो 18,800 की पुट उस टाइम जो थी अराउंड 33-34 के आसपास चल रही थी। मैंने जो प्रॉफिट बुक किया था 38 रुपये पे किया था और उस टाइम मैंने अपनी सारी पोजिशन यहाँ पे काट दी थी। फिर क्या हुआ, वहाँ से एक रिकवरी आई और रिकवरी में बैंक निफ्टी ने हाई लगा दिया था। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक रिकवरी आई। तो इस लेवल पे भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या दोबारा से वो पुट ली जा सकती है। देखो नॉर्मली अगर यहाँ पे मान लो बैंक निफ्टी ने लो नहीं मारा होता, मान लो ये यहाँ से आया होता और फिर ये मूवमेंट करता ऊपर की तरफ, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे पुट लेता। ठीक है ना, बट ऑलरेडी इसने लो जो मेरा टारगेट था वो हिट कर दिया था, उसके बाद ऊपर गया, भले उस ऑप्शन के प्राइस कम है तो मैं रिस्क लेके मतलब जीरो टू हीरो की तरह प्ले कर सकता हूँ उसको, बट मैं नॉर्मली ऐसी कंडीशन में दोबारा से उसको सेल नहीं करता हूँ। जैसे आज के केस में ही गिर गया है, बट नॉर्मली क्या होता है, ये हो सकता था थोड़ा सा और ऊपर जा सकता था, नहीं गिरता, बट आज गिर गया है तो अलग बात है। जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ है उससे पहले कोई भी पुल बैक आ रहा है तो मैं डेफिनेटली उसमें पोजीशन बनाता हूँ, बट मेरा टारगेट हिट हो गया फिर दोबारा मैं पोजीशन थोड़ा सा अवॉइड रखता हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो कल के लिए ऑप्शन चेन डाटा में तो कुछ है नहीं, चार्ट पे समझते हैं सीधा और चार्ट पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगा लो और ये एक ट्रेंड लाइन खींच के रख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। ये ट्रेंड लाइन आपकी अराउंड कहाँ से खींचेगी, ये खींचेगी ये लो से। ठीक है, इस लो से आप ये सारी ट्रेंड लाइन इस तरीके से मिला लीजिएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ऊपर से आप ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से मिला लीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ये जो चैनल है वो आपका थोड़ा सा धीरे धीरे छोटा होता हुआ दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं अब मार्केट ब्रेकडाउन के लिए रेडी हो सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ऊपर तो ये जा नहीं पा रहा है, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत बाइंग आती है नियर टू लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने की, जैसी बढ़ता है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ठीक है, मेरे को एक्सपेक्टेशंस ये था कि इस पुल बैक में ये हो सकता था लाइफ टाइम हाई हिट कर देता, बट करने नहीं दिया क्योंकि एक पॉइंट से मॉर्निंग में शायद मिस हुआ है, 86 का हाई था और जो हाई है लाइफ टाइम हाई वो अराउंड 87 पॉइंट कुछ का था, यानी 88 लग जाता तो हाई बन सकता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आपको इस ट्रेंड लाइन पर फोकस रखना है। ऊपर के लेवल पे सेम मेरा व्यू है, ऊपर के लेवल पे हम क्या करेंगे, अगर आता है 18,880-870 का जोन हमारे लिए सेलिंग का ही जोन है, हम वहाँ पे सेल करके ही काम करेंगे। किसी भी रीज़न से अगर ये 18,750 को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर डेफिनेटली आपको यहाँ पे फर्दर सेल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आ सकता है,
क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, निफ्टी भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं सेलिंग का शिकार है, आज 18,800 के नीचे क्लोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये नीचे अराउंड 18,700 तक जा सकता है। और अगर 18,700 या फिर ये लो टूटा 18,660 का, तो फिर आपको थोड़ा सा और 100-150 पॉइंट का डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, यानी ऊपर के लेवल पे 18,850 के ऊपर तो आपका सेल ही बनता है, वहाँ पे आप सेल करके ही काम करिएगा, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी का जो 2-3 दिन पहले मैंने आपको लॉजिक बताया था कि 43,500 के नीचे अगर ये जाएगा तो फिर हम यहाँ पे एग्रेसिव सेल करेंगे। ठीक है, ये है वो लेवल। अब इसने ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2 दिन इसी चैनल के अंदर काट दिए हैं, तो अगर अब ये कभी भी इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव सेल प्लान कर सकते हैं, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो वो सेल टिगर कब होगा वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सिंपल सी चीज़ है, फोर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये थोड़ा सा वीक हो सकता है, तो फिर आप इस पोजीशन पे थोड़ा सा एग्रेसिव सेल कर सकते हो, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डे चार्ट पे क्या है कि इस लेवल पे मतलब एक और नया चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, वो चैनल भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। पहले क्या था कि हम अराउंड यहाँ से लेके यहाँ तक कंसोलिडेशन कर रहे थे, फिर हमने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद अब हम इस चैनल में कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, चैनल नीचे शिफ्ट हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए। ठीक है ना, एज़ पर द लॉजिक यहाँ पे बननी चाहिए, बनेगी नहीं बनेगी वो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ अब ये अगर ये यहाँ से 43,400 को ब्रेक करेगा नीचे तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव सेल प्लान करेंगे, टारगेट हमारे पास ये होना चाहिए। ठीक है, जो कि है 42,600 का। ठीक है ना, यानी पहला टारगेट 43,100, दूसरा टारगेट 42,600 का हमारे पास होगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। हो सकता है कि आपको नेक्स्ट एक्सपायरी से पहले मूवमेंट देखने को मिले, या फिर आपको हो सकता है 1-2 दिन के बाद फॉलो अप में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी का आपको समझ में आ गया, बैंक निफ्टी का समझ में आ गया, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली देख लेते हैं। इंडेसिस फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर करीब 100 पॉइंट नेगेटिव है, नैसडेक फ्यूचर भी करीब 64 पॉइंट नेगेटिव है, यूरोपियन मार्केट में भी करीब करीब आधा परसेंट से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इवन डेक्स ने तो अपना 16,000 का लेवल भी एक बार ब्रेक किया था, आप देख सकते हो 15,950 का इसने लो बनाया था, तो कहीं ना कहीं अब क्या है ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, तो हमारे मार्केट में भी डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, निफ्टी के लिए खासकर जो लेवल है सबसे इम्पोर्टेंट उस पर आप ध्यान रखिए, निफ्टी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपका है 18,670। इसके ऊपर जब तक है तब तक हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, बट इसके नीचे क्लोज देना स्टार्ट करेगा तो फिर वीकनेस निफ्टी बहुत ज़्यादा दिखा सकता है, फिर आपके लिए जो टारगेट खुलेंगे वो यहाँ तक के खुलेंगे अराउंड 18,500 तक के, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए आपका समझ में आ गया, निफ्टी का भी आपका यहाँ पे व्यू क्लियरली समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।